हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और पार्ट टू में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह उठ के हम लोग थोड़ा सा ब्रश रश किया, उसके बाद कल बहुत टायर्ड हो गया था, लेट भी हो गया था, कुछ भी ब्लॉग नहीं बना। ये हम लोग निकल रहा है तो अभी जाके उधर अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या क्या देखने को मिलते हैं अभी देखते हैं। फाइनली पहुंच गया और विजिटर सेंटर में हम लोग आ गया, और ये रिसेप्शन भी है और ये चेक कर रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग का बारी है। हम लोग आ गया, 20 रुपया मांग रहा है, 20 रुपया दे के हम लोग पार्किंग करके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग अंदर आ गया। अंदर आके हम लोग अभी एक्चुअली अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक्चुअली इसको बनाया गया था मीरा अल्फासा ने, और इसको अरबिल का मादर भी बोला जाता है, जाना जाता है अरबिल ऑफ मादर बोल के। और इस एरिया को एक्चुअली ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए, ह्यूमन यूनिटी के लिए ये जगह बनाया गया है। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा जगह है और डिसेंट है। और आज क्योंकि इतना आदमी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उठ के आ गया, और दोपहर को बहुत भीड़ होगा, आदमी इधर बहुत देखने के लिए आदमी आता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पंडिचेरी, थोड़ा सा तमिलनाडु। ठीक है, इसको बनाया गया था 1968 में। कौन बनाया गया था बोलेगा तो ये मीरा अल्फासा ने, क्योंकि ये फ्रेंच लेडीज था, अरबिंदो आश्रम में ये पला भरा हुआ था। ठीक है, और इसका मकसद जो बनाने का मकसद था ये तो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए, ह्यूमन यूनिटी के लिए ये गांव बनाया गया था। ठीक है, इसको जो डिजाइन आर्किटेक्ट जो डिजाइन किया है ये फ्रेंच से ही लिया गया है, मतलब फ्रेंच आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट से ये सब बनाया गया है। ठीक है, ये सब बोर्ड दिखाया गया है, ये सब कैसे ह्यूमेनिटी करना है, कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन करना है, कैसे आदमी जीना है, कैसे तरीका होना है, ये सब ये पूरा ये आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये अभी हम लोग अंदर जा रहा है, जैसे कि अभी इंफॉर्मेशन सेंटर में हम लोग जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको टिकट हम लोग को पास देगा, पास से हम लोग डायरेक्ट मैत्री मंदिर में जाएगा, जैसे कि वर्ल्ड ग्लोब से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी हम लोग अंदर अंदर एंटर होने वाला है अभी। ठीक है, अंत तक बने रहना है दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, ¶¶
इन्फॉर्मेशन रूम है ना, आपको पूरा ये क्या क्या हुआ था, क्या क्या है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग पास ले लिया, उसके बाद पास लेके हम लोग जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, बहुत दूर है उधर से, अभी भी 2 किलोमीटर बाकी है चलने का, तो बहुत दूर में रखा गया है वो मैत्री मंदिर को। और ये जो अरुबिल गांव है, ये अलग सा गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके ये अलग सा गवर्नमेंट रूल करता है, मतलब अलग सा देश जैसा वो लोग रूल करता है, कोई इंडिया का इंडिया को ये ओनली कोलेबरेट करता है, मतलब जैसे इंडिया को ओनली उसका कानून भी इतना नहीं चलता है, और ये अलग सा देश जैसा ये लोग रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो उस टोटल अरुविल का टोटल पॉपुलेशन है, इसका 2018 का पॉपुलेशन का हिसाब से, सेंसस का हिसाब से ये 8,371 पॉपुलेशन है। ठीक है, इसका इस अरुविल गांव को लीगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी घोषित किया है, मतलब 1980 में। ठीक है, उसको रह सकता है बोल के एक्ट ऑफ 1980 में ये घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो अरुबिल गांव है, उसमें कितना बहुत कंट्री का आदमी, बहुत राष्ट्र का आदमी, अलग अलग राष्ट्र का आदमी ये रहता है इधर। जैसे कि अभी आपको इधर आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेनियन मिलेगा, तिब्बतन मिलेगा, ताइवानीज मिलेगा, स्विस मिलेगा, स्वीडिश मिलेगा, सुडानीज मिलेगा, श्रीलंकन मिलेगा, स्पेनिश मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, नेपालीज मिलेगा, सब कुछ, साउथ कोरियन, सब कुछ आपको मिलेगा इधर। ठीक है, को सब सब कंट्री का आदमी इस जगह में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और ये लोग अलग सा गवर्नमेंट रूल कर रहा है, मतलब अलग सा गवर्नमेंट, उसके बाद शांति में रहता है, और उसके बाद बाउंड्री में बगल बगल में ये सब तमिल रहता है, इंडिया का जो लोग है वो बगल बगल में रहता है। उसके बाद ये जो अरुविल गांव है, इसका नाम एक्चुअली अरुविंदो घोष का नाम पे ही ये ना जाना गया, सबसे पहले जाना जाता है, क्योंकि अरुविंदो घोष किधर का है बोलेगा तो वो वेस्ट बंगाल का था, वेस्ट बंगाल में वो जन्म लिया था। ठीक है, वो फिलोसोफर था, उसका जन्म साल 1872 में हुआ था, और 15 अगस्त 1872 में, और उसके बाद वो मृत्यु हो गया था, उसको निधन हो गया था 5 दिसंबर 1950 में। ठीक है, वो फिलोसोफर था, योगी था, और महर्षि था, और पोएट था, इंडियन नेशनलिस्ट है वो। ठीक है, जर्नलिस्ट भी था वो, न्यूज़पेपर एडिटिंग सब कुछ वो करता था। और ये अभी अंदर जाएगा, अंदर अंदर जाने के लिए इधर रास्ता है, तो उधर से अच्छा से दिखाई देगा बोल रहा है, कितना और होगा मालूम नहीं है, बोला था 200 मीटर बोला था, अभी तो रात आप आया था ना। हाँ, तो गेस्ट हाउस मिल जाएगा ना। हाँ, मिला। ओके, थैंक यू ना। हाय, ओके है ना, अच्छा लगा। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सॉरी, क्योंकि मैं आज अंदर नहीं गया जा पाया, क्योंकि आज का मैत्री मंदिर का अंदर जाने के लिए 3 दिन पहले टिकट लेना चाहिए बोलता है, इसके लिए बहुत 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 सॉरी। ठीक है, और बुरा मत मानना प्लीज, आप लोग को सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं इतना मालूम नहीं था कैसे आना था, कैसे जाना था, मतलब कि कैसे कितना दिन का पहले टिकट लेना है, सब मालूम नहीं था, इसीलिए आज बाहर से ही हम लोग देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे, उस टाइम आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, बुरा मत मानना और कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इतना दूर से आया, इतना चल के आया, फिर भी अंदर नहीं जा पाया, तो बहुत दुख हो रहा है मेरे को।
दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाला है मैत्री मंदिर तक, और बगल में ही हो गया, अभी बगल में नजदीक में ही आ गया। और ये जो बनाया गया था, ये स्टार्ट किया था ये 21 फरवरी 1971 को, ठीक है, और ये कटेड हुआ 2008 को, ठीक है। ये है तो, और ये बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब ये हाइट होगा 23.5 मीटर, मतलब ठीक है, बहुत बड़ा है। और ये इसको बनाया गया, जब बनाया था तब खर्चा हुआ था इसका 1 ट्रिलियन रुपीस खर्चा हुआ था, ठीक है। इसे टेक किया था मीरा अल्पासन है, मदर ऑफ अरुबिल बोल के भी जाना जाता है। और आज इसको देख लिया और बहुत इंजॉय किया, अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे पंडिचेरी में, पंडिचेरी में अरुबिंदो अनाथ आश्रम का और बीच का बगल में है, और बहुत इंजॉय करेंगे और चलते हैं उसमें।